पाकिस्तान के प्रति दुनिया में एक नैरेटिव तैयार हो गया है कि ये देश अगर कुछ करेगा तो वो नेगेटिव ही करेगा। उसका संबंध आतंकियों, गधों या फिर भीख मांगने से ही होगा। हालांकि हम जो कुछ आपको बता रहे हैं वो ऐसा कतई नहीं है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने एक नया कीर्तिमान बनाया है और वो कीर्तिमान है ई कोर्ट के जरिए सुनवाई का। दरअसल पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय के एक मामले में ई कोर्ट के जरिए सुनवाई कर इतिहास रचा है। ई कोर्ट वीडियो लिंक पर आधारित एक प्रणाली है। न्यायालय के एक बयान में कहा है कि उसने ई कोर्ट प्रणाली के जरिए मामलों की सुनवाई शुरू कर दी है। पाकिस्तान के न्यायिक इतिहास में ये पहला मौका है जब देश की सर्वोच्च अदालत में मामलों की सुनवाई वीडियो लिंक संपर्क के माध्यम से की गई है। प्रधान न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम खान मियांखेल की तीन सदस्य पीठ ने औपचारिक रूप से ई कोर्ट प्रणाली के माध्यम से मामलों की कार्यवाही शुरू की। अब इस्लामाबाद की प्रधान पीठ और सुप्रीम कोर्ट ब्रांच रजिस्ट्री कराची में नई पद्धति से सुनवाई हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ब्रांच रजिस्ट्री कराची में कराची के अधिवक्ताओं ने अपने मामलों में वीडियो लिंक के माध्यम से दलीलें दी और प्रधान पीठ इस्लामाबाद ने मामलों की सुनवाई की और फैसला किया। न्यायमूर्ति खोसा ने नई प्रौद्योगिकी के तहत पहले मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि पाकिस्तान के न्यायिक इतिहास में ये मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि इस सुविधा से वकीलों और लोगों को सुविधा होगी तथा समय और पैसे की बचत हो सकेगी। वैसे इमरान खान का पाकिस्तान आर्थिक तंगी के दौर में भी साइंस को ज्यादा प्राथमिकता देने में लगा है। पाकिस्तान ने पहली बार चांद देखने के लिए वैज्ञानिक कैलेंडर का इस्तेमाल किया है। हालांकि इस कैलेंडर के मौलाना हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं क्योंकि उनको लगता है कि पाकिस्तान ज्ञानवान हो गया है तो उनकी दुकानों पर ताले पड़ सकते हैं।